Discussing about the classification of polymers, there are six parameters according to which we classify polymers according to the basis of chemical structure, polymeric structure, arrangement of monomers, plasticity, thermal behavior, and molecular forces. Firstly, we will discuss about the chemical structure. According to the basis of chemical structure, we have two types of polymers, homopolymer and copolymer. Homopolymer consists of identical टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, जिस तरह हमारे पास इथाइलिन है, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसके जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और जो चेन बन जाएगी हमारे पास पोलीइथाइलिन की. इसी तरह पोलीएक्राइलोनाइट्राइल है और पोलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारे पास होमोपोलीमर्स की एग्जाम्पल हैं. अगर कोपोलीमर की बात करें तो वो वन टाइप से ज़्यादा के मोनोमर्स का मिक्सचर होंगे, जिस तरह ए टाइप के भी हो सकते हैं और बी टाइप के हमारे पास मोनोमर्स यूनिट्स हो सकते हैं चेन में. और अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन है, इसमें जो एन एच टू उसको इस तरह हम लिख सकते हैं एन फिर एच और फिर एच, और इसको जब हम एडिपिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो वाटर है एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और जो बाकी सारा रिएक्शन है उसको एज सच हम लिख लेंगे तो वो नाइलॉन 6,6 हमारे पास बन जाएगा. अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास तीन टाइप के पॉलीमर्स हो सकते हैं, या तो लीनियर होंगे या ब्रांच्ड होंगे या क्रॉस लिंक्ड होंगे. जो लीनियर हैं वो लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ मोनोमर पे कंसिस्ट होते हैं जो लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं. और अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, नो ब्रांचिंग शो करते हैं, और इनका वॉल्यूम भी कम होता है. इस तरह पोलीथाइलीन हो गया, पोलीविनाइल क्लोराइड आ गया. और अगर हम ब्रांच्ड पॉलीमर्स की बात करें तो उसमें एट रेगुलर इंटरवल इरेगुलर इंटरवल ब्रांचिंग शो हो जाएगी, जिस तरह ग्लाइकोजन या स्टार्च वगैरह हमारे पास हैं वो ब्रांच पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं. और इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, एक तो इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है और दूसरा ये लेस डेंस होते हैं. और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की अगर बात की जाए तो जो क्रॉस लिंक पॉलीमर ये शॉर्ट साइड चेन्स पे कंसिस्ट होते हैं जो डिफरेंट पॉलीमर बॉन्ड के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क वो आपस में कंपैक्ट हुई होती हैं. और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास वैनलमन और बैकलाइट है. अगर हम अरेंजमेंट ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स की बेसिस पर देखें तो हमारे पास दो टाइप हैं पॉलीमर्स की, या तो ब्लॉक पॉलीमर्स हो सकते हैं या ग्राफ पॉलीमर्स हो सकते हैं. ब्लॉक पॉलीमर कब होंगे, जब वो एक ही सीक्वेंस पे कंसिस्ट होंगे मोनोमेरिक यूनिट्स के, जो एक ही टाइप के मोनोमर से बने होंगे. और ग्राफ पॉलीमर्स तब होंगे जब वो ब्रांचिंग शो करते हैं और उनकी जो बैकबोन है वो एक टाइप के मोनोमेरिक यूनिट से बनी होती है और ब्रांचेस दूसरे टाइप के मोनोमेरिक यूनिट से बनी होगी. चौथा पैरामीटर जिसकी बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर्स को वो है टैक्टिसिटी. टैक्टिसिटी होती है ओरिएंटेशन ऑफ द मोनोमर्स अकॉर्डिंग टू द मेन चेन विद रिस्पेक्ट टू द मेन चेन. और आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक, ये थ्री टाइप्स हमारे पास बनती है पॉलीमर्स की अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी. आइसो मींस सेम, जब साइड ग्रुप लाई करते हैं सेम साइड पे पॉलीमेरिक चेन के तो उसको हम कहेंगे आइसोटैक्टिक है. लाइक सेम फैशन होगा, एच लगा हुआ है, सी एच ही लगा हुआ है, अगर ये सेम ही पैटर्न फॉलो हो तो उसको कहेंगे आइसोटैक्टिक है. अब डिस्कस करने जाएँ एटैक्टिक क्या होते हैं. जब साइड ग्रुप इरेगुलर पैटर्न में इन्वॉल्व होंगे अकॉर्डिंग टू द मेन चेन तो उसको हम कहेंगे ये ए टैक्टिक है. जिस तरह सी एच थ्री लगा हुआ, एच लगा हुआ, फिर सी एच थ्री एच, कोई रेगुलर पैटर्न जब फॉलो ना हो तो उसको कहेंगे ये ए टैक्टिक पॉलीमर्स है. सीन मीन अल्टरनेट, जब साइड ग्रुप्स अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज होंगे तो उसको हम कहेंगे ये सिंगल टैक्टिक है. क्लासिफिकेशन ऑन द थर्मल बिहेवियर की बेसिस पे अगर देखें तो दो टाइप हमारे पास पॉलीमर्स की होती हैं, या तो वो थर्मोप्लास्टिक हो सकते हैं या थर्मोसेटिंग हो सकते हैं. जो थर्मोप्लास्टिक हैं पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जो सॉफ्ट हो जाएंगे हीट करने पे, जिस तरह पॉलीथाइलीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है. और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो जिसको हम हीट करेंगे तो वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और जिसको रीशेप नहीं हम कर सकते, जिस तरह बैकलाइट हो गया, मेलामन हो गया. और अगर सिक्स पैरामीटर्स की बात करें जिसकी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर्स की, तो वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस. मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेसिस पे अगर देखें तो दो टाइप हैं पॉलीमर्स की, या तो वो इलास्टोमर्स हो सकते हैं या फाइबर्स हो सकते हैं. इलास्टोमर्स ऐसे पॉलीमर्स हो सकते हैं जिसको थोड़ी सी स्ट्रेस अप्लाई करने पर हम उनको स्ट्रेच कर सकते हैं, जिस तरह नेचुरल रबड़ हो गया. और फाइबर्स हैं वो ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन.
तो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास है नायलॉन 6,6 एंड डेक्रॉन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।